हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म गाइस। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जिसमें मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि अब किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए लास्ट के 30 डेज, और हम बोल सकते हैं कि लास्ट 4 वीक्स बचे हैं हमारे पास। तो लास्ट के 4 वीक्स में क्या आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, रिविजन प्लान जितना सॉलिड होगा उतना ही अच्छे से आप तैयारी कर पाओगे, तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उन सभी को बताना चाहूंगी मेरा नाम है आयुषी और हाल ही में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है पर 99.88% आई, और आपके लिए कॉमर्स पेपर टू लेके आती हूँ जिसमें हम पेपर टू पढ़ते हैं, और पेपर वन में भी मैथ्स और डीआई कवर करवाती हूँ, चलती हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा लास्ट 24 28 डेज है, लास्ट 4 वीक्स का प्लान किस तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर प्लान वो डिस्कस करूंगी जो मैंने खुद इंप्लीमेंट किया था जब मैं प्रिपेयर कर रही थी। कैसे लास्ट मंथ को यूटिलाइज किया जा सकता है ताकि आप बहुत अच्छे से उसमें परफॉर्म कर सकें एंड अपना एग्जामिनेशन क्रैक कर सकें, क्योंकि मुझे याद है जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो एग्जामिनेशन 11th ऑफ अगस्त से 15th और 16th ऑफ अगस्त तक होने थे, बट ड्यू टू सम फेस्टिवल्स वो पोस्टपोन हो गए थे। तो पोस्टपोन होने के बाद स्टार्ट हुए वो सितंबर मंथ में, तो जो वो मंथ मिला था, एक मंथ एक्सटेंशन मिला था, उसको कैसे अच्छे से यूटिलाइज किया मैंने, वो सारी चीजें ही आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि आप भी उसी तरीके से अगर जो शेड्यूल फॉलो करोगे तो आपको भी श्योरली सक्सेस मिलने ही वाली है। तो मैंने जिस तरीके से प्लान किया था वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने वीक्स को डिवाइड कर लिया था 4 वीक्स में, ठीक है, 4 वीक्स थे, लगभग 30 दिन 28 दिन इतना ही समय था। तो किस तरीके से मॉक टेस्ट और जो डिफरेंट 10 10 यूनिट्स हैं पेपर वन एंड पेपर टू में, वो प्रिपेयर की जा सकती हैं इन लास्ट 30 डेज में, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए 4 वीक्स हैं हमारे पास, तो मैंने वीक 1 वीक 2 वीक 3 एंड वीक 4 इस तरीके से डिवाइड कर लिया था, और ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि आपके पास पेपर वन में भी 10 यूनिट्स हैं, पेपर टू में भी 10 यूनिट्स हैं, और कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता जिसको 10 10 यूनिट्स दोनों पेपर में ही काफी अच्छे से आती हैं। किसी यूनिट्स में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हो, किसी किसी यूनिट्स में आप थोड़ा लैग कर रहे होते हो, तो किस तरीके से आप यूनिट्स को प्रिपेयर करना है, वो सारी चीजों पे मेन फोकस है जो हम रखने वाले हैं। तो मैं अगर अपनी बात बताऊं तो वीक वन जो था उसमें मैंने मॉक टेस्ट थोड़े ज्यादा लगाए, 3 मॉक टेस्ट लगाए, ताकि मुझे ये पता लग सके कि कितने ज्यादा जो टॉपिक्स हैं उनमें मेरी कमी चल रही है अभी, ठीक है। तो मॉक टेस्ट यहाँ पे लगाए, 3 मॉक टेस्ट, और पेपर वन में मैंने 3 यूनिट्स प्रिपेयर की, और ये 3 यूनिट्स कौन सी 3 यूनिट्स थी, ये वो 3 यूनिट्स थी जो मुझे बहुत अच्छे से आती थी। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पेपर वन में आई वॉन्ट कि मैं सेफ स्कोर तक पहुंच जाऊं, तो जो मेरा टारगेट है कि मुझे 35 क्वेश्चन तक सही करने हैं पेपर वन में, तो मैंने 3 यूनिट्स लॉजिकल रीजनिंग, डी आई एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, ये बहुत स्ट्रांग थी मेरी, तो मुझे लगता था कि हाँ इसमें मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकती हूँ, तो मैंने पहले ये 3 यूनिट्स को कवर कर लिया, और इन 3 यूनिट्स को कवर करने में ज्यादा समय नहीं लगा। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग जो आपको 3 यूनिट्स ऐसे लगती है कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, उन 3 यूनिट्स को साइड में निकाल के उनको रिवाइज करिए, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको रिविजन चाहिए, आपको सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी उस सब्जेक्ट को, उस यूनिट को अच्छे से समझते हो। फिर इसके बाद पेपर टू में भी अब कंबाइंड मॉक लगाने हैं, तो 3 मॉक टेस्ट अगर पेपर वन के लगे हैं तो 3 मॉक टेस्ट पेपर टू के भी लगेंगे। बट पेपर टू में मैंने क्या चीज पे फोकस किया, पेपर टू में मैंने वो यूनिट्स उठाई जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, या फिर जिसमें मुझे बहुत कम कॉन्फिडेंस था, वो 2 यूनिट्स मैंने यहाँ पे सबसे पहले पिक की। तो मेरी जो 2 यूनिट्स थी वो मार्केटिंग मैनेजमेंट और एचआरएम थी। मैंने किया क्या, पेपर वन के लिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं देना था, क्योंकि पेपर वन में वो कर रही थी जो मुझे ऑलरेडी आता था, तो दिन में अगर मैं 1 से 1.5 घंटा भी लगा रही हूँ पेपर वन के लिए तो वो मोर देन सफिशियंट था, और 3 घंटे मॉक टेस्ट में लग रहे थे ऑल्टरनेट डेज, तो वो चीज क्या थी, वो अलग टाइम जा रहा था। बट उसके बाद जो बाकी बचा हुआ टाइम था, वो सारा टाइम मैं डिवोट कर सकती थी केवल उन 2 यूनिट्स पे जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, या फिर मुझे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रही थी मेरे लिए, क्योंकि प्रिपेयर नहीं मैं अच्छे से कर पा रही थी उन यूनिट्स की वजह से। तो मैंने सबसे पहले ये मेक श्योर किया कि इन 2 यूनिट्स को उठा के मुझे खत्म कर देना है, और अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दोबारा से लगाने स्टार्ट किए, ताकि मुझे एक आइडिया मिले कि हाँ कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार यहाँ से पूछे जा रहे हैं। फिर टॉपिक्स लिए, फिर जब मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे तो मॉक टेस्ट में जो भी कमियां थी उन मॉक टेस्ट के क्वेश्चन निकाल लिए और उनको फिर एनालाइज किया। तो इन 2 यूनिट में मैंने बहुत अच्छे से काम किया वीक वन में, जिससे हुआ क्या, मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि 3 यूनिट्स मेरी पेपर वन की कंप्लीट है, मॉक टेस्ट में मैं अच्छे से परफॉर्म कर पा रही हूँ, मुझे परफॉर्मेंस पता चली तो मैं कितना स्कोर कर पा रही थी, वो चीज मैंने समझने की कोशिश की। तो मेरा यहाँ पे स्कोर अभी थोड़ा कम ही चल रहा था। पेपर वन की अगर बात करूँ तो हार्डली 70 मार्क्स आ पा रहे थे, पेपर टू की अगर मैं बात करूँ तो हार्डली 120 130 इतना ही मैं स्कोर कर पा रही थी। तो मुझे ये चीज कहीं ना कहीं समझ आ रही थी कि मैं अभी 180 190 पे स्कोर कर रही हूँ, और ये मेरे लिए एक सेफ स्कोर नहीं है। बट यहाँ से जो उस वीक में मैंने थोड़ी सी प्रोग्रेस की, वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की, क्योंकि 2 यूनिट्स जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे से आ रही थी मॉक टेस्ट में, मुझे उसके जो पॉइंट्स थे वो समझ आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दोबारा एनालाइज किया, देन उनके टॉपिक्स पढ़े, तो देन जब मैंने नेक्स्ट वीक में जब मैं एंटर की तो मेरी ये 2 यूनिट्स भी काफी अच्छे से क्या हो रही थी, मेरे को रिजल्ट देना स्टार्ट कर रही थी, काफी अच्छे से मैं इन यूनिट्स में भी परफॉर्म कर पा रही थी। फिर जैसे ही सेकंड वीक स्टार्ट हुआ तो सेकंड वीक में मैंने 1 मॉक कम किया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि इस टाइम पे जो पेपर वन की कुछ यूनिट्स हैं जो मुझे आती तो है बट थोड़ा सा उसमें पढ़ने की भी जरूरत है, ठीक है, वो यूनिट्स मैंने उठाई।
देन पेपर टू में क्या किया, पेपर टू में ऐसी 3 यूनिट्स उठाई जो क्या थी, प्रैक्टिकल थी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 यूनिट्स पे इतना टाइम दे चुकी थी जो मुझे नहीं आ रही थी, ताकि मैं उस पर इंप्रूवमेंट ला सकूं। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे जो 3 यूनिट्स थी, जो मेरी स्ट्रेंथ थी, जो प्रैक्टिकल यूनिट्स थी, उनको उठाया, जैसे कि फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। ये 3 यूनिट्स उठा के मैंने इन 3 यूनिट्स को अच्छे से कवर करना स्टार्ट किया, एंड साइड बाय साइड मैंने 2 मॉक टेस्ट भी दिए, जिससे हुआ क्या कि मेरे को ये चीज पता लगी कि हाँ 2 यूनिट्स ये और 3 यूनिट्स ये तो मैं कर चुकी हूँ, और जो वीक 1 में मैंने 3 यूनिट्स और 2 यूनिट्स की थी, अब लगभग मेरे पास यहाँ पे 10 यूनिट्स हैं जो मेरी तैयार हो चुकी है, मतलब 50% सिलेबस। तो मुझे सेकंड वीक में ये चीज देखने को मिली कि हाँ 50% सिलेबस मेरा कवर हो रहा है, 5 5 यूनिट्स फ्रॉम बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, एंड मैंने 5 मॉक टेस्ट भी दे दिया, मतलब 500 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। और उसमें जो रिजल्ट में मेरे को इंप्रूवमेंट देखने को मिली, वहां पे मेरे 10 से 15 नंबर और बढ़ना स्टार्ट हो गए थे। तो मैं स्लोली स्लोली प्रोग्रेस कर रही थी। तो किस तरीके से यहाँ पे आप प्रोग्रेस कर सकते हो, ये तरीका आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने इसी तरीके से काम किया, क्योंकि मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट में, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो मैंने ये जो 2 यूनिट्स थी जो मुझे बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, मैं इनको करती नहीं थी, जिसकी वजह से क्या होता था, जो बाकी यूनिट्स थी वो भी अफेक्ट हो जाती थी, तो परफॉर्मेंस अफेक्ट होती थी ओवरऑल। तो इस बार मैंने सबसे पहले लास्ट 30 डेज में इन 2 यूनिट्स को निपटा दिया वीक 1 में ही, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस भी मिलता रहे, और वीक 2 तक मेरा 50% सिलेबस डन था एंड मैं 5 मॉक्स भी लगा चुकी थी। तो ये काफी अच्छा था कि मेरे लिए, ताकि मैं थोड़ा इंप्रूव भी कर रही हूँ एंड साइड बाय साइड मेरा सिलेबस भी कवर हो रहा है। देन उसके बाद वीक 3 में जब आप एंटर करते हो, तो वीक 3 में एंटर करने के लिए आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें देखनी है, अगेन मॉक मैंने 2 ही लगाई यहाँ पे भी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड पे मैं वो यूनिट्स को कवर करने की ज्यादा कोशिश कर रही थी, जहां पे मुझे टाइम देने की जरूरत थी। तो सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पे पेपर 1 में भी 3 यूनिट्स उठाई, और ये 3 यूनिट्स ऐसी थी जो फैक्चुअल थी, लाइक ICT है, रिसर्च है, ये सारी चीजें, मुझे थोड़ा सा ज्यादा समय लगता था इन चीजों में, तो मैंने ये यूनिट्स उठाई। एंड देन यहाँ पे भी 3 यूनिट्स मैंने ऐसी उठाई थी, जैसे कि बैंकिंग है जो फैक्चुअल है, IB है थोड़ा फैक्चुअल है, तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे उठाई, और 3 3 यूनिट्स 6 यूनिट्स प्लस 2 मॉक टेस्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे मॉक टेस्ट भी कवर होते गए, प्लस 6 यूनिट्स और मेरी कवर होगी। और इस वीक में मैंने ये चीज भी मेक श्योर की कि जो मैंने पुराना सारा पढ़ा था उसको एक बार गो थ्रू कर लूँ, ताकि मुझे ये पता हो कि हाँ कि ये चीजें मैंने ऑलरेडी कवर कर ली है। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट को एनालाइज किया। हर टाइम, हर वीक आपको मॉक टेस्ट एनालाइज करना जरूरी है। 3 घंटे लगा के आप मॉक टेस्ट देते हो। मैं टारगेट सेट करती थी कि मेरे को 180 मिनट नहीं, मुझे 160 या 150 मिनट में अपना पेपर पूरा करना, ये मेरा टारगेट रहता था। फर्स्ट वीक में 170 मिनट 175 मिनट लगे, सेकंड वीक में 170 मिनट लगना स्टार्ट हुए। ऐसे ऐसे मेरा जो टाइम था वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा था। तो इससे क्या हो रहा था, मेरे को इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही थी, मार्क्स वाइज भी स्कोर भी इंप्रूव हो रहा था, बट मैं टाइम भी कम ले पा रही थी, जिससे हो रहा क्या था, मैं अपने पेपर को एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लेती थी कि कोई पॉइंट मिस तो नहीं होगा, या फिर कुछ गलती तो नहीं होगी, या फिर मुझे जो पैसेज वाले क्वेश्चन थे उनको करने के लिए ज्यादा समय मिल जाता था। तो ये सारी चीजें साइड बाय साइड हो रही थी जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प कर रही थी। देन उसके बाद जो फोर्थ वीक था, उसमें मैंने क्या चीज की, फोर्थ वीक में यूनिट्स मेरे पास 2 2 यूनिट्स बची, और अब मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी पेपर 1 की मैंने वो 2 यूनिट्स ली थी जो मुझे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आ रही थी, बट हाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हुए थे, हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट की बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये 2 यूनिट्स में ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता था, क्योंकि कुछ यूनिट्स होती हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट में स्पेशली, जो क्या प्रोटोकॉल्स वगैरह हमारे पेपर 2 इंटरनेशनल बिजनेस से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, तो वो चीजें मैंने 100% मेक श्योर की कि मुझे ये करना ही है। SDG MDG गोल्स है, मुझे ये करना ही है। तो ये चीजें मैंने मेक श्योर की, नेशनल पार्क्स वगैरह, ये थोड़ा सा एनवायरमेंट के रिगार्डिंग थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, इकोसिस्टम वगैरह ये सारी चीजें पढ़ना स्टार्ट की, तो पोल्यूशन वाला टॉपिक था वो पढ़ा, तो वो सारी चीजें मैंने क्या की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से उठाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे लगाए। जैसे मैंने यूनिट 2, जब मैंने वीक 1 में पेपर 2 की 2 यूनिट्स की थी, सेम उसी तरीके से यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए लास्ट 2 टू 3 ईयर्स के बस, क्योंकि वो बहुत अल्टीमेटली वो बहुत ज्यादा ही थे, क्योंकि 32 शिफ्ट 24 शिफ्ट तो बहुत सारे थे, वो भी मैंने पूरे नहीं किए, मैंने बस 10 10 15 15 पेपर उठाए जो भी अवेलेबल थे एंड उनको मैंने पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक मुझे सही लग रहे थे, जो मुझे समझ आ रहे थे इजिली, वो टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए थे। तो मैं बोलूंगी कि हाँ 5 से 10 टॉपिक मैंने हर एक यूनिट से 10 10 टॉपिक 5 5 टॉपिक ऐसे उठा लिए जो यूनिट्स मेरे को नहीं आ रही थी उनमें। फिर इससे हुआ क्या, देखो अब क्या क्या चीजें मेरे को यहाँ पे हेल्प की, तो जो मैंने पहले ऑलरेडी यहाँ पे मॉक दिए हुए थे ना, 7 मॉक मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो 7 मॉक में जो पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट और जो हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस थे वो मेरे पास क्या थे, क्वेश्चन प्लस आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन था, तो उनको मैंने दोबारा से पढ़ लिया, ठीक है, जिससे हुआ क्या कि वो जो मॉक में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना वो तो एटलीस्ट मेरे को आ रहे हैं, ठीक है, वो मैं किसी ना किसी तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके, मैथ्स का कॉलम में एक पर्टिकुलर पॉइंट से मुझे कुछ चीज आती है, बाकी 2 पॉइंट नहीं आ रहे हैं, 1 पॉइंट तो आता है, उससे मैंने हिट एंड ट्रायल करके किस तरीके से मैं अपना क्वेश्चन है जो सही कर सकती हूँ, वो सारी चीजों पर मैंने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं यही चीज बताऊंगी कि एलिमिनेशन मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करता था इस टाइप की यूनिट्स को कवर करने में। देन इसके बाद क्या चीज हुई, अब यूनिट 2, जो अब पेपर 2 है, उसकी भी 2 यूनिट बची हुई थी, तो वो 2 यूनिट भी मैंने कवर की, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 यूनिट कौन सी थी, जैसे कि स्टैट्स जो मुझे काफी हद तक आता था, प्रैक्टिकल पोर्शन है, ऐसे ही इसके साथ साथ और भी मैंने एक यूनिट स्टार्ट की, जैसे कि लीगल, क्योंकि वो भी मुझे क्या है अच्छी लगती थी, लीगल में थोड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस था, तो उस तरीके से मैंने यहाँ पे ये 2 यूनिट है वो स्टार्ट की। अब हुआ क्या,
10 मॉक टेस्ट में लगा चुकी हूँ, प्लस मैंने ऐसी यूनिट्स जो मेरे को नहीं अच्छी लग रही थी उनके PYQs दोबारा लगा लिए हैं, प्लस मैंने 10 की 10 यूनिट पेपर वन भी और पेपर टू की भी 20 यूनिट्स मैंने कवर भी कर ली है ये 4 वीक्स में। उसके बाद जो भी टाइम आपको मिलता है लास्ट के 2 to 3 days, तो बिल्कुल ऐसा है कि आपको मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, मॉक तो आप लगा चुके हो। अगर आपको रिवाइज ही करना है तो उस लगाए हुए मॉक टेस्ट को एक बार दोबारा लगा सकते हो ताकि आप इंप्रूवमेंट देख सको, एंड सिर्फ और सिर्फ नोट्स रिविजन पे फोकस करना है। मेरे पास 15 to 20 बुक्स थी, नोटबुक्स जिसमें मैंने नोट्स बनाए हुए थे, काफी लेंथी नोट्स थे और हर यूनिट के लिए अलग अलग नोटबुक थी। तो मैंने क्या किया था, लास्ट के 2 to 3 days में जो भी मॉक से एनालाइज करके कुछ न्यू पॉइंट्स थे वो एक अलग कॉपी में लिखे हुए थे, एक बार उसकी रिविजन कर ली सारी नोटबुक की। देन इसके बाद जो पेपर वन और पेपर टू की मेरे पास अपनी नोटबुक्स थी जो मैंने नोट्स बनाए हुए थे उनको उठाया, एक दिन में ऐसा किया कि मेरे पास अगर 3 दिन है तो मैंने डिवाइड कर लिया कि 2 दिन में मुझे क्या करना है, पेपर वन और पेपर टू, पांच पांच यूनिट्स उठाई, चार चार यूनिट्स उठाई। उसके बेसिस में मैंने क्या किया, एक बार एक ही गो में पूरी की पूरी नोटबुक रीड कर लो फटाफट से। ऐसा नहीं है कि वन वन वर्ड आपको रीड करना हैडिंग्स रीड करनी है ताकि आपको ये पता हो कि हाँ ये टॉपिक मुझे अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा। कोई न्यू हेडिंग आपको देखने को मिलती है जो आप भूल चुके हो तो उसको एक बार रिवाइज कर सकते हो। तो ये तरीका मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया था क्योंकि मैं नोट मेकिंग में ऐसा नहीं कर पा रही थी कि मैं एक पेज पे पूरी नोटबुक पूरे नोट्स हैं उनको ले आऊं। तो मेरे लिए ये फायदेमंद था कि मैंने क्या किया था, नोटबुक उठाई फटाफट गो थ्रू किया वन गो में, 1 घंटा लग रहा है, 1.5 घंटा लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं, डजंट मैटर, बट जितना भी टाइम लग रहा है नोटबुक उठाई पढ़ा सारा और साइड में रख दी, दूसरी उठाई नोटबुक पढ़ा सारा साइड में रख दी। इस तरीके से क्या हुआ था, 2 से 3 दिन में पूरे के पूरे जो भी मैंने नोट्स बनाए हुए थे जितने भी वो लेंदी थे बेशक, बट मैंने उनको गो थ्रू कर लिया था और एक अलग लेवल का ही कॉन्फिडेंस था। फिर मेरे पास एक दिन और एक्स्ट्रा था तो मैंने क्या किया था, एक मॉक टेस्ट और लगा लिया जिससे मुझे ये चीज पता लगी कि हाँ मैं मॉक टेस्ट में एक स्टेबल पोजीशन पे आ चुकी हूँ जहां पे मैं 200 220 तक भी स्कोर कर पा रही हूँ। और ये अगर आप मॉक टेस्ट में इतना स्कोर करते हो ये बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर है क्योंकि एग्जामिनेशन में आपका थोड़ा सा भी स्कोर कम जाएगा तो आप उसको क्रैक कर लोगे। तो ये तरीका रहा था कंप्लीट 4 वीक्स का, किस तरीके से मैंने अपना टाइम है जो मैनेज किया था, बट ये था कि हाँ इतना करना है तो करना ही है। उसको अब 5 घंटे में हो रहा है, 6 घंटे में हो रहा है, 10 घंटे में हो रहा है, टाइम बाउंडेशन नहीं थी, जब भी हो रहा है उतना मुझे करना है। और हर चीज को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज पे फोकस था कि मुझे अपना सिलेबस अच्छे से कवर करना है और मॉक टेस्ट लगाने हैं, जो टारगेट मैंने सेट कर लिया है वो मुझे कंप्लीट करना है। कभी कभी आपको जब मॉक टेस्ट लगाते हो तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आते हैं माइंड में कि हाँ ये पॉइंट्स मेरे अभी स्किप हैं, ठीक है मेरे को इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। तो उनके लिए मैं क्या करती थी, एक नोटबुक के पेज पे टॉपिक्स लिख लेती थी, ठीक है, और टॉपिक्स लिख के मुझे ये था कि हाँ मेरे पास इतने दिन है ना तो अब इस यूनिट को मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तो इनके अगर 2 टॉपिक है मेरे पास तो उन 2 टॉपिक्स को मुझे अच्छे से रिवाइज करना है, तो वो मैं पेस्ट कर लेती थी वॉल पे ताकि मुझे याद रहे कि हाँ मुझे ये 2 टॉपिक अभी करने हैं। फिर वो 2 टॉपिक अपने बुक्स हैं जो भी आपके पास मटीरियल है उससे कवर करो, अगर नहीं है मटीरियल तो यूट्यूब से कवर करो, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे आप करिए, उस अकॉर्डिंग आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है सारा सिलेबस कवर होता चला जाएगा। बिल्कुल जो चीजें मैंने खुद इंप्लीमेंट की वो 1 महीना जो मुझे एक्स्ट्रा मिला था उसने कैसे मुझे हेल्प किया सारी चीजों को अच्छे से समझने में, जो भी चीजें मेरे पास थी, जो भी नोटबुक्स मेरे पास थी, जो मेरे नोट्स थे सारे के सारे, उनको मैंने कैसे अच्छे से रिवाइज कर लिया। एंड मॉक टेस्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं क्योंकि मॉक टेस्ट आपकी प्रोग्रेस दिखाते हैं आपको, और जैसे जैसे मैं मॉक टेस्ट लगाती जा रही थी मुझे प्रोग्रेस देखने को मिल रही थी। और अगर मुझे टाइम मिलता था तो मैं एक बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगा लेती थी, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगा लेती थी, जिससे होता क्या था मुझे ये पता लग जाता था कि हाँ प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में जो मैं एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट लगा रही हूँ उनका लेवल काफी अच्छा है, ठीक है। तो लेवल भी आपको जज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो काफी लेंदी बन रहे हैं आपके, जैसे बनते भी हैं मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन और रिसर्च एंड रीजनिंग वाले, और आपका जो मॉक टेस्ट है वो अभी आप सिंगल लाइनर लगा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि मॉक टेस्ट लगाओगे वो अच्छी बात है, आपके कंसेप्ट तो क्लियर होंगे, बट टाइम मैनेजमेंट में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 4 लाइंस होती है आपके पास, 4 स्टेटमेंट होती है पेपर में। अब मैं एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ तो मेरा टाइम ऑटोमेटिकली कम लगेगा। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस भी इसी तरीके से करनी है कि आपको 3 से 4 मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन वाले क्वेश्चन हो, 3 से 4 स्टेटमेंट हो, इनकरेक्ट पूछ रखा है, असर्शन रीजनिंग में थोड़े से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, मैथ्स का प्रॉब्लम में किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सारी चीजें आपको ध्यान में जरूर रखनी है जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी और मॉक टेस्ट भी ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रही हूँ अगर आपको टाइम मिल जाता है कभी कभी तो आप उसको लगा सकते हो क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पहले से ही कवर करके चलते भी हैं। तो ये लास्ट के 30 डेज को कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हो ये मेरा पूरा प्लान था जो मैंने फॉलो किया था, एंड आई एम डैम श्योर अगर आप इसको फॉलो करते हो, अच्छे से फॉलो करते हो, जो जो चीजें मैंने बताई हैं, रेगुलरली नोट मेकिंग भी करोगे, अगर आपको कोई मॉक टेस्ट में न्यू पॉइंट दिख रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये पॉइंट मुझे याद नहीं रहने वाला, उसकी नोट्स मेकिंग करोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ पे होने वाली है, और कॉन्टिन्यूसली उसको रिवाइज करते जाना है आपको, ठीक है। ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, जो चीजें आपके पास है उन्हीं को ही बार बार पढ़िए, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने अभी आपके लिए डेस्टिनेशन बैच भी ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, तो फ्री यूट्यूब कोर्स है पेपर वन एंड पेपर टू के लिए, टाइमिंग्स आप देख सकते हो। पेपर वन के लिए मेरी जो टाइमिंग्स है वो सैटरडे एंड संडे रहती है 9 AM कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे, याद रखेंगे कॉमर्स के लिए एक अलग से ही चैनल है जो लॉन्च कर दिया गया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मिक्स PYQ सेशन में ले रही हूँ,
पेपर वन के लिए सैटरडे एंड संडे सुबह 9 बजे, पेपर टू की क्लासेस रहती हैं मंडे टू संडे शाम को 6 बजे, ठीक है। पीवाईक्यू भी करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे, और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो देखने को मिलेंगे अपने एग्जामिनेशन में, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी और काफी क्वेश्चंस हैं जो इस सीरीज से आए थे, और इस बार भी वही कोशिश रहेगी, वही तरीके के क्वेश्चन मैं बनाने की कोशिश करूंगी जो पेपर में पूछे जाते हैं। जिस लेवल का लेंथी क्वेश्चन रहता है वही लेवल के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। एंड आपके लिए स्पेशल सेशंस भी मैं लेके आती रहती हूँ 12 बजे, जिसमें हम क्या करते हैं जो प्रीवियस ईयर में कुछ न्यू टॉपिक्स पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को डिकोड करते हैं, ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी हो कि हाँ ये टॉपिक, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा और ये टॉपिक यहाँ से पूछा गया है। तो ये सारी चीजें आपको अल्टीमेटली बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं, तो आप जुड़िएगा मेरे साथ पेपर टू के लिए शाम को 6 बजे। कॉमर्स पेपर टू है, मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स भी जुड़ सकते हैं, एंड पेपर वन के लिए सैटरडे एंड संडे सुबह 9 बजे। एंड उसी के साथ साथ एक और चीज, आपको जैसे पता है कि बैक बेंचर्स बैच भी है हमारा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऐप है जेआरएफ अड्डा, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल करके आपको टेस्ट सीरीज है जो मिल जाएगी, और बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको टेस्ट सीरीज। लास्ट के मंथ में 25 to 30 days आपको 10 मॉक टेस्ट लगाने ही हैं, और आज से ही जो मॉक टेस्ट है ये स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाइए ऐप पे, इंस्टॉल कीजिए ऐप को, टेस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको एक टेस्ट दिखाई देगा, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, फिर देखिए किस लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं और आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। लेवल अच्छे से जज करिए, अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छे लेवल के क्वेश्चन है तो आप बाय भी कर सकते हो टेस्ट सीरीज को। पेपर वन एंड पेपर टू का जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज का प्राइस है दैट इज 1299, और अगर आप केवल पेपर वन लेना चाहते हैं तो वो भी 800 रुपीज में आपको मिल जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा ध्यान से पैटर्न को देखते हुए जो टेस्ट सीरीज है वो डिजाइन की गई है, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प वो करने वाली है, और आपका जो टाइम मैनेजमेंट का इश्यू रहता है वो आपका बिल्कुल भी नहीं रहेगा अगर आप इन पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को लेते हैं। तो आपकी इच्छा है, अगर आप लेना चाहते हैं, फ्री टेस्ट है, आज लाइव हो चुका है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, देन उसके बाद आप टेस्ट सीरीज बाय भी कर सकते हैं। और पेपर वन के लिए बैक बेंचर्स बैच है जो ऑलरेडी जेआरएफ अड्डा पे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, सुबह 9 बजे वहां पे मेरी क्लासेस रहती है मंडे टू फ्राइडे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप पीडीएफ मॉड्यूल ले सकते हैं। जेआरएफ अड्डा ऐप पे ही आपको एक बैक बेंचर्स पीडीएफ मॉड्यूल नाम से शो कर किया जा रहा है, तो आप वहां पे जाके इसको भी परचेज कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है दैट इज ₹500 ओनली। कंटेंट वीडियो कोर्सेज आपको फ्री मिल रहे हैं, बट कंटेंट के लिए आपको पेपर वन की कितना पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, तो टॉप 50 टॉपिक्स की आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और मैथ्स और डीआई में टीच करती हूँ तो वहाँ पे आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं जो साथ में देने वाली हूँ, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। एंड इसी के साथ साथ अगर आप हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो तो हैंड रिटन नोट्स भी हैं। ई नोट्स लेने हैं तो आपको 2000 रुपीज में मिल जाएंगे। प्रिंटेड नोट्स लेना चाहते हो तो आपको 3000 रुपीज में हैंड रिटन नोट्स भी हैं जो मिल जाएंगे। कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के अवेलेबल है, तो कॉमर्स के अवेलेबल है। मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, जिस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे उनको फिल्टर करके मैंने 2 मॉड्यूल बनाए हैं, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, जिसमें पूरी की पूरी पेपर टू की 10 यूनिट्स हैं जो कंप्लीट हो रही हैं, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मुझे नोट्स मैंने नहीं बनाए हुए हैं, टाइम नहीं है, तो उन नोट्स की आप हेल्प ले सकते हो, और उनको आप अच्छे से गो थ्रू भी कर सकते हो, क्योंकि लिमिटेड पेजेस होंगे आपके पास, तो आप अच्छे से उन चीजों को समझ पाओगे। और मैंने जब अपनी तैयारी की थी उसके बाद मैंने उनको थोड़ा रिफाइन किया है, फिल्टर किया है, तो आपको टॉपिक्स भी वही मिलेंगे जो बार बार पूछे भी जा रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां पर मैंने हाईलाइट किया है कि पीवाईक्यू है, तो वो टॉपिक थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी नोट्स में, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, टाइम टेबल जो मेरा है, डेली क्लासेस का जो शेड्यूल रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टू ज्वाइन मी जब हमारी लाइव क्लासेस होती हैं। ये जो 12 PM का सेशन है ये रिकॉर्डेड रहता है, स्पेशल सेशंस होते हैं जिसमें जब मैं कोई टॉपिक बता रही होती हूँ, अदरवाइज हमारी जो पीवाईक्यू सीरीज है और पेपर वन की पीवाईक्यू एमसीक्यू सीरीज और पेपर टू की पीवाईक्यू एमसीक्यू सीरीज ये लाइव होने वाली है, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आज भी हमारी 6 बजे क्लास है, तो आप उसको भी ज्वाइन करके देख सकते हैं अच्छे से। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से पढ़ते रहिए। जो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है वो बिल्कुल रो तरीका है जो मैंने फॉलो किया था, आई होप आपको वो चीजें हेल्प करेंगी। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, और इस बार टारगेट करिए अच्छे से और अचीव करना अपना जो ड्रीम है आपका जेआरएफ क्रैक करने का, नेट क्रैक करने का, वो पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।